आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रपति कोविंद ने IIM नागपुर के नए कैंपस का किया उद्घाटन, कई सुविधाओं से लैस है परिसर। CAPF और असम राइफल कर्मियों को अब सेनावृत्त होने के बाद भी मिलेगा रोजगार, गृह मंत्रालय ने CAPF पुनर्वास किया लॉन्च। मुंबई के हर एक नागरिक को मिलेगा स्वच्छ पानी, सीएम उद्धव ठाकरे ने सभी के लिए पानी नीति की शुरू। जोधपुर में सांप्रदायिक तनाव के बाद लगाए गए कर्फ्यू में 8 घंटे का छूट, हिंसा के मामले में अब तक 211 लोग गिरफ्तार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, LAC पर बढ़ी 3 चीन की मौजूदगी, अपनी क्षमताओं को बढ़ाए BRO। इंदौर में अग्निकांड में नया खुलासा, सिरफिरे आशिक ने लगाई थी लड़की की स्कूटी में आग, 7 लोग जिंदा जले। एक बार भारतीय घोषित युवक को विदेशी नहीं ठहरा सकते, गुवाहाटी हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने राजद्रोह कानून का किया बचाव, कहा यह पिछले 6 दशक से समय की कसौटी पर खरा उतरा। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, BSF ने की गोलीबारी, लौटा वापस। उद्धव ठाकरे की रैली के पोस्टर से शिवसेना का राज ठाकरे पर निशाना, असली आ रहे नकली जा रहे सावधान। भारत ने श्रीलंका को आपूर्ति की गई वस्तुओं की दी जानकारी, क्रेडिट लाइन के तहत वाटर कैनन वाहन देने का किया खंडन। मुख्य न्यायाधीश ने डॉक्टरों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जाने पर व्यक्त की गंभीर चिंता, कहा चिकित्सकों को सुरक्षित माहौल की जरूरत। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर मिला खालिस्तानी झंडे, पुलिस बोले पंजाब में टूरिस्ट का हो सकता है हाथ। झांसी में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, अब तक उतारे गए 1 लाख से ज्यादा लाउडस्पीकर दोबारा ना लगने पाए। भाजयू में अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने की तेजिंदर बग्गा से मुलाकात, का झूठे मामले दर्ज करने की आपकी रणनीति के खिलाफ लड़ेंगे। अलीगढ़ में नाले में मिला नवजात का भ्रूण, पुलिस मामले की जांच में जुटी, कार्रवाई ना होने पर लोगों ने जमकर किया हंगामा। अलीगढ़ में राज्य मंत्री देवेंद्र शर्मा का बड़ा बयान, नशे के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान। औरैया में दबंगों के हौसले हुए बुलंद, बेजुबानों पर बरपाया कहर, दबंगों ने पीड़ितों पर जमकर ईंट पत्थर बरसाए। गाजियाबाद में लगातार हो रही चोरी का खुलासा, आरोपी चोर हुए गिरफ्तार, दुकानदार ने चोर को पकड़कर उससे पूछताछ।
गाजियाबाद में गर्ल्स कॉलेज के बाहर स्टंटबाजी, पुलिस ने मामले का लिया संज्ञान। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो टीम का गठन भी किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यूपी में फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना, 238 छात्र छात्राओं को मिला टैबलेट। कुशीनगर में पत्रकार मिलन सम्मान समारोह का आयोजन, पत्रकारों को किया गया सम्मानित। संभल में चंदौसी तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन डीएम की अध्यक्षता में हुआ आयोजन। शिकायतों के निस्तारण को लेकर दिए गए निर्देश। संभल में जिलाधिकारी ने की बैठक, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। मानसून आने से पहले सभी ग्राम पंचायत का ड्रेनेज प्लान बनाया जाए। उन्नाव में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, भाजपा विधायक ने किया विरोध, प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। अलीगढ़ में रिश्तों को शर्मसार कर देने की घटना, पति ने दोस्तों से पत्नी का कराया रेप। बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में एक सिपाही घायल, सिपाही को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अलीगढ़ में खाकी हुई शर्मसार, सिपाही ने नाबालिग बेटी से किया रेप, आरोपी सिपाही गिरफ्तार। कानपुर में सपा विधायक की दबंगई, कमिश्नर के पीआरओ पर भड़के विधायक, पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे सपा विधायक। रायबरेली में गंगा नदी से युवक का मिला शव, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, गोताखोर की टीम चलाया सर्च अभियान। गाजियाबाद में कालाबाजी करने वाला मंजुला अरेस्ट, गर्ल्स कॉलेज के बाहर कर रहा था स्टंट। साल पहले दायर हुआ था वाद विवाद, स्थल स्वयंभू शिव ज्योतिर्लिंग मंदिर कांच। सहारनपुर में पटाखे फैक्ट्री में विस्फोट से मरने वालों की संख्या हुई 5, धमाके के बाद मच गई थी अफरा तफरी। पच्चीस दिन में 3 बार सीबीआई का छापा, रडार पर है कानपुर। ईपीएफओ के कई अफसर रिश्वत लेते पकड़ा जा चुका है एक प्रवर्तन अधिकारी। यूपी में बैंक लॉकर किए जाएंगे मॉडर्नाइज और थानों से जुड़ेंगे अलार्म, आरबीआई से पूछे सुरक्षा के मानक। गरीबों के अनाज पर डाका डाल रहे कोटेदार, डीएम ने 14 टीमों को भेजकर रंगे हाथ पकड़ा, मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी। चौपाल में कर्मियों को अनुपस्थित देख भड़के प्रभारी मंत्री, गोरखपुर के डीएम से कहा सख्त कार्रवाई करें। गंगा सप्तमी के दौरान वाराणसी में दुग्ध अभिषेक और आरती कर संरक्षण का संदेश, नमामि गंगे ने की तलहटी की सफाई। कानपुर के स्पेशल मां कृष्णा के संघर्ष की कहानी, बेटे को कथा, नृत्यांगना और खेल में दिला चुकी है पहचान, देश विदेश में नाम रोशन कर रहे बच्चे। लखनऊ में अपराधियों की धरपकड़ के लिए खास व्यवस्था, चौराहे पर पहुंचे ही एक्टिव हो जाएगा फेस रिएक्शन कैमरा।
2024 को लक्ष्य बनाकर योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 ने पकड़ी रफ्तार, मुख्यमंत्री ने शुरू की मंडलवार समीक्षा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले जनता ने सपा को बहुत वोट देकर जिताया लेकिन सिस्टम ने बेईमानी कर भाजपा को जिताया। मरौनी थाने में महिला के उत्पीड़न पर मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट, मुख्य सचिव और डीजीपी को ललितपुर की घटना पर नोटिस। यूपी सरकार राजस्व में वृद्धि को लेकर उत्साहित, अप्रैल में पिछले साल की तुलना में 1,657.6 करोड़ की हुई वृद्धि। अब 5 साल की एसीआर से प्रमोशन का आधार, अंतिम 3 साल में 12 महीने से ज्यादा की एसीआर अपूर्ण होने पर चलेगा चयन। चारधाम यात्रा 2022 में केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक यात्री की खाई में गिरने से मौत, पुलिस ने शव निकाला। सेना बैंड की मधुर ध्वनि के बीच श्रद्धालुओं के लिए खुले भू बैकुंठ, बद्रीनाथ धाम के कपाट, भक्तों की लंबी कतार। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर खाई में गिरी इग्निस कार, शादी की खरीदारी कर लौट रहे परिवार के 5 लोगों की मौत। नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित बद्रीनाथ धाम भगवान शिव और मां पार्वती से जुड़ा है मंदिर का इतिहास। मैदानी क्षेत्रों में अगले 3-4 दिन तापमान में बढ़ोतरी की आशंका, गर्मी से बचने को एडवाइजरी जारी। चंपावत के प्रवासी मतदाताओं के साधने की रणनीति बनाएगी भाजपा, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय पदाधिकारी दिल्ली में कर चुकी हैं बैठक। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने किया कार्यकारिणी का विस्तार, चंपावत उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने पर विचार करेगी आप। नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी मुख्यमंत्री धामी पर लगाया आरोप, कहा बदले की भावना से कार्रवाई कर रही सरकार। मंत्री गणेश जोशी के अधिकारियों को दो टूक, कहा कागजी आंकड़े बंद करिए, जमीन पर दिखाइए का। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उत्तराखंड में 61 लाख से ज्यादा व्यक्तियों को मिलेगा 2 गुना चावल। गंगा सप्तमी के दौरान हरिद्वार में मुख्यमंत्री धामी ने किया गंगा पूजन और आरती, घाटों पर पावन स्नान कर रहे श्रद्धालु। उत्तराखंड आ रहे पर्यटकों के लिए राहत भरी खबर, होटल और रेस्टोरेंट के सर्विस चार्ज देना अनिवार्य नहीं। दर्शन के पहले समस्याओं से जूझ रहे यात्री, सड़क मार्ग से लेकर यात्रा पहाड़ों तक कई चुनौती। में 1 घंटे के भीतर 2 लोग के एटीएम कार्ड बदलकर निकाली नकदी, पुलिस को मिलने अहम सुराग। रेलवे भूमि में विस्थापित होने वालों को जंगल में शरण नहीं लेंगे देव वन महकमा, 5 डिवीजनों के कर्मचारी करेंगे निगरानी। यूक्रेन के गांव में स्कूल पर रूस ने की बमबारी, 60 लोगों के मारे जाने की आशंका।
तालिबान में असली चेहरा बेनकाब, अफगानिस्तान की नई सरकार को मान्यता देने को तैयार नहीं उज्बेकिस्तान। पाकिस्तान में कोरोना से हुई मौतों की रिपोर्ट पर उठाए सवाल, कहा WHO के डेटा इकट्ठा करने वाले सॉफ्टवेयर में है गलती। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका की अनावश्यक आलोचना के लिए राजनीतिक दलों की निंदा की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लगे भूकंप के झटके, 80 से ज्यादा घट रहे 200 परिवार बेघर। न्यू मैक्सिको के जंगल में लगी आग से नरक हो रहा है लोगों का जीवन, तेज हवा से बढ़ी सभी की मुश्किलें। सुअर का दिल ट्रांसप्लांट के बाद युवक की मौत का खुलासा, रहस्य विशेषज्ञों के मुताबिक पोर्शिन वायरस के चलते हुई मरीज की मौत। खार के ऊपर कब्जे के लिए रूसी सेना के बड़े हमले, अमेरिकी और यूरोपीय देशों के हथियारों का भंडार नष्ट। अलकायदा प्रमुख अल जवारी ने यूक्रेन पर रूसी हमले के लिए अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन के बीच सांसद रंजीत ने दोबारा डिप्टी स्पीकर के पद से इस्तीफा देने का लिया फैसला। मार्केट में सप्ताह ग्लोबल फैक्टर्स, महंगाई और मैक्रो डेटा आय का दिखेगा असर। भारतीय रिजर्व बैंक और इंडियन बैंक ने बढ़ाए रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट, बैंकों ने की रेपो से जुड़ी उधार दर बढ़ाने की घोषणा। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का सालाना राजस्व 100 बिलियन डॉलर के पार, ऐसा करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी रिलायंस। LIC IPO निवेशकों के लिए अच्छी खबर, रविवार के दिन भी ASBA की सुविधा वाले ब्रांच खुले रहेंगे। पीएफ सुकन्या समृद्धि योजना में निवेशक करने वालों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी, दूसरी तिमाही में मिल सकती है ज्यादा ब्याज। शेयर बाजार में गिरावट का असर, ग्रे मार्केट में LIC IPO का प्रीमियर रेट हुआ आधा। एल&T इन्फोटेक और माइंडट्री का होगा आपस में विलय, टेक महिंद्रा को पीछे छोड़ बनेगी देश की पांचवी IT कंपनी। NSE के शेयर पर 42 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान, कंपनी बैठक में नए MD और CEO पर भी बात। उसके लुभावने ऑफर के बावजूद एशियाई देशों ने ज्यादा खरीदा अमेरिका क्रूड, पहले के मुकाबले भारत ने घटाया आयात। बिटकॉइन इथेरियम समेत टॉप 10 करेंसी में आई भयंकर गिरावट, घट गया मार्केट कैप, शिबा इनू के लाइट क्वाइन भी नहीं बच सके। हैदराबाद में शामिल हुआ 21 साल का युवा गेंदबाज सुशांत मिश्रा, सौरभ दुबे के रिप्लेसमेंट के तौर पर मिली जगह। राजस्थान ने पंजाब को 6 विकेट से हराया, संजू के सामने मयंक हुए बेदम, यशस्वी जायसवाल ने लगाया अर्धशतक।
महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान पर होल्डर और आवेश की गेंदबाजी के दम पर लखनऊ ने कोलकाता को 75 रनों से हराया। चहल आईपीएल के राजस्थान के लिए सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने, तोड़ा श्रेयस गोपाल का रिकॉर्ड। काउंटी चैंपियनशिप में चेतेश्वर पुजारा का धमाल जारी, लगातार चौथे मैच में लगाया शतक। बेन स्टोक ने बताई अपनी टीम की रूपरेखा, रूट के बल्लेबाजी क्रम को लेकर किया खुलासा। काउंटी क्रिकेट को लेकर भिड़े दो दिग्गज, बेन स्टोक की विस्फोटक पारी के बाद गेंदबाजी पर उठाए सवाल। प्रभास और दीपिका पादुकोण के फिल्म प्रोजेक्ट में हुए दिशा पाटनी की एंट्री, फिल्म निर्माता ने गिफ्ट भेज कर किया जोरदार स्वागत। पर्दे पर नहीं दिखेंगे आमिर खान और रणबीर कपूर की जोड़ी, फिल्म की अफवाहों पर अनुराग बासु ने कहा काश ये सच होता। आलिया भट्ट ने मानीतू कपूर और सोनी राजदान को दी शुभकामनाएं, शेयर की अनदेखी तस्वीर। शख्स ने पड़ोसी के बच्चे की पढ़ाई के लिए मांगी मदद, सोनू सूद बोले पढ़ने का वक्त आ गया है। एक साड़ी में परिणीति चोपड़ा लगी बला की खूबसूरत, फैंस का चुराया दिल, एक्ट्रेस ने अपने इंस्टा हैंडल से शेयर की तस्वीरें। रणबीर आलिया की ब्रह्मास्त्र ने रिलीज से पहले बनाया रिकॉर्ड, मिला इतिहास रचाने वाली पहली भारतीय फिल्म का खिताब। स्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद में कूदे सोनू सूद, बोले लोग एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मुनव्वर फारूकी ने जीता रियलिटी शो लॉकअप, मिले 20 लाख रुपए और गाड़ी, मजेदार ग्रैंड फिनल। करीना कपूर को बॉडी शेम कर ट्रोल कर रही है पाकिस्तानी एक्ट्रेस हीरा मानी, लोग बोले इसे थोड़ी तमीज सिखाओ। एक्टर आयुष्मान खुराना का बयान, फिल्मों से भारत को एकजुट करने की कोशिश की। दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।